जय हिंद किसान भाइयों। फूल गोभी की मई जून में की गई नर्सरी से केवल इन्हीं प्रजातियों में ही बढ़िया फूल आता है, बाकी सब का हाल कुछ ऐसा होता है। मई जून आते ही अगेती बरसात वाली फूल गोभी की नर्सरी का सीज़न चालू हो जाता है और मैं आज की वीडियो विशेषतः इसलिए बना रहा हूँ कि हाल के दिनों में यूट्यूब पर कुछ लोग किसानों को अगस्त सितंबर वाली प्रजातियों की नर्सरी मई जून में करने के लिए उकसा रहे थे। एक भाई साहब कह रहे थे कि नामधारी का 555 और वेलकम की 808 की नर्सरी मई जून में करें, जबकि असल में ये प्रजातियां सितंबर अक्टूबर नर्सरी के लिए हैं। ऐसी जानकारियों से नए किसान भ्रमित होते हैं। मैं बताता हूं आपको कि कौन सी वो प्रजातियां हैं जिनकी नर्सरी आप मई जून में करने पर बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने वाले किसान अच्छी तरह समझते हैं कि फूल गोभी की अधिकतर प्रजातियाँ तापमान के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिन और रात के तापमान में यदि ज़्यादा अंतर हुआ तो इनका उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है। कहने का मतलब, फूल गोभी का पौधा तापमान के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। 1-2 डिग्री तापमान ऊपर नीचे होते ही कई प्रजातियों का खेल बिगड़ जाता है। इस बात को ऐसे समझें कि ईस्ट वेस्ट की एक प्रजाति आती है धवल, अच्छी है। हमारे गांव के दो किसान धर्मेंद्र और गोलू ने इसे लगाया। धर्मेंद्र की फसल 3 दिन पहले तैयार हुई और इतनी अच्छी तैयार हुई कि ईस्ट वेस्ट कंपनी वालों ने मीटिंग रखा और पूरे गांव के किसानों को इसे देखने के लिए बुलाया, परंतु 3 दिन बाद ही पाला पड़ने लगा और तापमान 2-3 डिग्री पहले से कम हो गया। बस इतने में ही दूसरे किसान गोलू के खेत की पूरी फसल खराब हो गई। फूल तो आया परंतु रोएदार पीला, जिसका भाव नहीं मिला। किसान भाइयों, अब आप सोचें कि जब 3 दिन और 3 डिग्री तापमान के अंतर से फूलगोभी की फसल खराब हो सकती है तो 30 दिन आगे नर्सरी करने वालों का क्या होगा। कहने का मतलब, किसान भाइयों, अगर आपको कोई ऐसी प्रजाति की फूलगोभी की नर्सरी करने को मई जून में कहता है जिसे आप नहीं जानते, तो उसे बड़े पैमाने पर लगाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश के हापुड़, बागपत, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में फूल गोभी की जिस प्रजाति की नर्सरी मई जून में डल रही है, बनारस के किसान भी उसी समय करें। हर ज़िले का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि मई और जून में नर्सरी करने पर फूल गोभी की किन प्रजातियों में अच्छे क्वालिटी का फूल आता है जिसे आप बाज़ार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। किसान भाइयों, इन प्रजातियों में पहली तो है CFL 1522, दूसरी है गोल्डन एडवांटा की सुपर सीग्रा, तीसरी है वेलकम सीड की 103, चौथी है टीरा सीड्स की 4 और पांचवी है पिछले 2 सालों से मार्केट में नई नई आई हुई गोल्डन सीड्स की ADB 1400। किसान भाइयों, गौर से देख लो, यही वो प्रजातियाँ हैं जिनकी नर्सरी आप मई और जून तक कर सकते हैं। याद रहे, सिर्फ जून तक ही, जुलाई में नहीं करनी है। जुलाई में करोगे तो काफ़ी रिस्क रहेगा, क्योंकि नवंबर में ज़्यादा ठंड के कारण CFL 1522 का फूल भी ख़राब हुआ है। अब जानते हैं किसान भाइयों कि मई जून के लिए यही प्रजातियां क्यों। नामधारी की 133, हाईवेज की दामिनी, वेलकम की 105 तथा नूजी वीडू की 1024 क्यों नहीं, जबकि यूट्यूब पर अधिकतर वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसानों को इन प्रजातियों की नर्सरी मई जून में करने के लिए भी उकसाते हैं। तो ऐसा इसलिए किसान भाइयों कि मई जून में आप जिस भी प्रजाति की नर्सरी करेंगे उसमें फूल आते आते अक्टूबर का महीना आ जाता है और अक्टूबर के महीने में कई बार दिन और रात के तापमान में आधे से ज़्यादा का अंतर रहता है। दिन में तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो रात में तापमान 20 डिग्री हो जाता है और ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन को सिर्फ CFL 1522 के सेगमेंट की प्रजातियाँ ही झेल सकती हैं, जैसे CFL 1522, सुपर सिग्रा, वेलकम की 103, ADB 1400 और टीरा की 4। किसान भाइयों, सिर्फ आपके ज़िले या प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि ये वो प्रजातियां हैं जो देश के कुछ हिस्सों, कश्मीर एवं हिमाचल को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में लगभग एक समान बेहतरीन उत्पादन देती हैं और इन्हीं प्रजातियों में ही पूरे अक्टूबर भर अच्छे क्वालिटी का फूल आता है जिसे आप मंडी में अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। किसी के बहकावे में आकर यदि आप 133, 1024, 105 दामिनी की नर्सरी मई जून में करेंगे तो पछताएंगे। इनके नर्सरी का सही समय 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है, उससे पहले नहीं। किसान भाइयों, आप में से जो भाई पहली बार जून में 1522 सुपर सिग्रा, 103, ADB 1400 और टीरा की 4 की नर्सरी करने जा रहे हैं, उन नए किसान भाइयों को इन प्रजातियों की विशेषता के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इनमें से 2-3 प्रजातियां आपके लिए नई हो सकती हैं। शुरू करते हैं इस साल की नई प्रजातियों से। तो इनमें से पहली है एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADB 1400। पिछले 2 साल से गुजरात एवं देश के अन्य हिस्सों में सफल ट्रायल के बाद
कंपनी ने इस साल किसानों के लिए इसे कमर्शियली लॉन्च कर दिया है। इसकी नर्सरी का टाइमिंग वही है जो 15-22 और सुपर सिग्रा की है। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि ये 15-22 और सुपर सिग्रा से 5-7 दिन अर्ली है, और दूसरा इसका फूल भी इन दोनों प्रजातियों से ज़्यादा चमकदार सफ़ेद है। इससे आप मार्केट में अच्छे रेट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सुपर सिग्रा और सीएफएल 15-22 का उत्पादन तो बढ़िया है, पर कहीं ना कहीं किसान इसकी चमक से संतुष्ट नहीं रहते। पर एडवांटा के एडीवी 1400 के साथ आपकी चमक वाली शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि इसका फूल इन दोनों से ज़्यादा चमकदार और सफ़ेद है। अब बात करते हैं दूसरी नई प्रजाति वेलकम के 103 की, तो इसमें भी सीएफएल 15-22 और सुपर सिग्रा के साथ ही फूल आता है। इसका फूल काफ़ी ठोस, मजबूत और सफ़ेद आता है, पर इसमें दो कमी है। इसका फूल 15-22 और सुपर सिग्रा के तुलना में काफ़ी छोटा आता है, और दूसरा इसका प्लांट फ्रेम बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण आप इसकी डेंस प्लांटिंग नहीं कर सकते। इन सब के अलावा कुछ किसान इसमें ज़्यादा डीबीएम लगने की भी शिकायत करते हैं, आपके ऊपर है। अब बात करते हैं तीसरी नई प्रजाति की, तो ये है टीएरा सीड्स की चारू। इसका फूल भी सुपर सिग्रा और 15-22 के जैसा ही सफ़ेद होता है। इसका फूल देखने में बहुत बड़ा छाते के आकार का होता है, पर वजन में यह हल्का होता है। जिन किसान भाइयों को फूल गोभी की बिक्री पीस के हिसाब से करनी होती है, उनके लिए यह सही है, परंतु वजन के हिसाब से बिक्री के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि यह वजन में सुपर सिग्रा तथा 15-22 की तुलना में हल्का होता है। तो अब बात करते हैं सीएफएल 15-22 और सुपर सिग्रा की, तो जैसा जग जाहिर है और अधिकतर किसान इससे परिचित हैं, बरसात में 90% फूल गोभी का रकबा 15-22 और सुपर सिग्रा का होता है, तो 10% में नई प्रजातियाँ होती हैं। आप भी ऐसा ही करें, 90% खेत में सीएफएल 15-22 और सुपर सिग्रा की खेती करें और 10% में नई प्रजातियों को जगह दें। फिर जैसा आपको लगे अगले साल उत्पादन के आधार पर नई प्रजातियों का रकबा बढ़ाएँ। किसान भाइयों, अंत में मैं बताना चाहूँगा कि एक दो नई प्रजातियों की टेस्टिंग हम हर साल करते हैं। इस साल जून में भी क्लाउज सीड के सेलेब की टेस्टिंग करने का प्लान है। सफल रहा तो अगले साल आपको ज़रूर दिखाऊंगा। किसान भाइयों, यदि आपका कोई सवाल या मेरे लायक कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद। ये देखें इसका साइज़।